हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रो में जितेंद्र, और आज हम बात करने वाले हैं फ्यूल टैंक में अगर पानी चले जाए तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, और पहले तो कैसे पता कर सकते हैं कि फ्यूल टैंक में पानी है कि नहीं, और फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, पानी जाने के दो रीजन होते हैं, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला तो जब आप वॉश कराते हैं, कई लोगों की बाइक जो है वो मिसिंग करती है, तो दोस्तों मिसिंग की प्रॉब्लम जो है मे बी पानी के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो पेट्रोल के अंदर नीचे की तरफ में चले जाते हैं। इसकी वजह से स्टार्टिंग में तो मिसिंग मिलती है, जब भी वॉश कराते हैं उसके बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर जैसे ही वॉश कराते हैं दोबारा ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड बहुत लोगों को रेनी सीजन में टैंक में पानी जाने का प्रॉब्लम होता है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम जानने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, एक स्टैंडर्ड लाइन बोल देता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल, ताकि ऐसी जो वीडियोस है ना मैं आपके टाइम टाइम बना सकूँ, नोटिफिकेशन में जरूर आएगी ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट हम जानते हैं क्या रीजंस होते हैं टैंक में पेट्रोल जाने के लिए। फर्स्ट जो होता है वो होता है वॉशिंग। दोस्तों, अगर आप जब भी वॉश करा के आते हैं ना अपने बाइक को, प्रेशर वॉश होता है, तो टैंक में पानी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा मिसिंग का प्रॉब्लम मिलता है, जैसे आप वॉश कराते हैं उसमें हल्का फुल्का पानी आता चल जाता है, मिसिंग का प्रॉब्लम आपको मिलता है, फिर वो बाद में ठीक हो जाता है। सेकेंड जो तरीका होता है पानी जाने का वो होता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में जब आपकी बाइक जब पार्क रहती है डायरेक्ट, जब उसमें रेन पड़ रही होती है तो ये प्रॉब्लम फेस करने मिलती है, या फिर आप जब राइड कर रहे होते हैं तो वाटर जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए और कैसे पता किया जाए कि भैया आपके टैंक में पानी है कि नहीं, तो क्या क्या पहले सिम्टम्स हैं वो हम जान लेते हैं। पहले आपको एक्सेलरेशन जो है प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है, और आपके जो एग्जॉस्ट है उसमें से ज़्यादा स्मोक आना शुरू हो जाएगा, वाइट वाइट स्मोक बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो हल्का जब फ्यूल के साथ में जब थोड़ा थोड़ा जब जा रहा होता है तो थोड़ा सा स्मोकीनेस ज़्यादा आपको आएगा और एक्सेलरेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। एंड बॉडी आपकी जो बाइक है वो मिसिंग आना शुरू हो जाएगी या फिर सडनली स्टॉप हो जाएगी। अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है रेनी सीजन में या फिर आपने वॉश कराया हुआ है, सबसे पहले स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए वहाँ पर, और सबसे पहले चेक करिए अगर आपका कार्बोरेटर मॉडल है, BS3 BS4 मॉडल है या उससे पहले वाले मॉडल हैं, तो सबसे पहले अपना जो फ्यूल नॉब है वो रिजर्व में डालिए, एंड उसके बाद जो पाइप निकालिए कार्बोरेटर से, एंड जो एक बोतल लीजिए, बोतल में सबसे पहले निकाल के देखिए कि पानी का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होगा, फ्यूल का जो कलर है वो चेंज होगा, आपको पता चल जाएगा जैसे आप बोतल में निकालेंगे। अगर वो पानी का कलर चेंज हो रहा है तो दोस्तों फिर तो पूरा फ्यूल निकालिए, ठीक है, एक बोतल में, और जब पानी का लेवल जब नीचे आ जाए, जब फ्यूल लेवल नीचे आ जाए, तो इसको दूसरे बोतल में निकाल के आप रीयूज़ कर सकते हैं फ्यूल को। बट अगर थोड़ा सा वाटर है, थोड़ा सा वाटर तो चलिए ठीक हो, कोई बात नहीं, उस समय वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। वैसे नॉर्मली जो रॉयल एनफील्ड की अगर बात करें, तो रॉयल एनफील्ड में टैंक जो है BS4 और BS6 में जो है वो सील्ड आते हैं, थोड़ा सा ऊपर से अच्छे से पूरा उसको प्रेशर ऐड किया होता है, मगर फिर भी कभी कभी जो होता है वो लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी जो वाटर होता है वो टैंक के अंदर हल्के फुल्के निकल जाते हैं, और जो वाटर होता है वो थोड़ा भारी होता है, तो हमेशा आपको बॉटम साइड में ही मिलेगा, अपर साइड में फ्यूल होगा और बॉटम साइड में आपका जो वाटर होगा। तो दोस्तों आपको रिमूव करना उस टाइम पे इजी हो जाता है, बट जब FI की बात करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉब नहीं होता, फ्यूल नॉब नहीं होता, वहाँ पे लगा होता है पंप, फ्यूल पंप, तो दोस्तों वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्यूल पंप निकाल के रिमूव करके फिर वहाँ से वाटर आपको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा टैंक निकालिए बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है उस समय, क्योंकि FI में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और विदाउट एक्सपर्टीज आप वो नहीं कर पाएंगे, तो फ्यूल इंजेक्टर। मगर कार्बोरेटर मॉडल में तरीके बहुत सारे हैं, आप इजीली कर सकते हैं, घर में खुद ब खुद कर सकते हैं, आपको 2 से 3 बोतल लेके रखना है, फ्यूल निकालिए, ठीक है, उसको कम से कम ओवर अ पीरियड ऑफ नाइट जो है नाइट के लिए रख के रखिए, और जैसे वो सेपरेट हो जाए, ठीक है, जो पानी है नीचे आ जाए और पेट्रोल जो है ऊपर आ जाए, तो दूसरी बोतल में निकाल लीजिए उसको, और फिर उसके बाद उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। बट रीयूज़ करने से पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि उसमें वाटर पार्टिकल्स ना हो। अब वाटर पार्टिकल्स आने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आपको करानी पड़ेगी ना, अगर एक्चुअल में वो अगर आपके इंजन तक पहुंच गया है कार्बोरेटर मॉडल में, तो दोस्तों पूरा आपको हेड ओपन करवा के पूरा क्लीनिंग व्लीनिंग करवानी पड़ेगी, बहुत लंबी प्रोसेस होती है फिर, तो समझ रहे हैं आपको। कभी कभी क्या होता है कि जो पिस्टन्स जो होते हैं वो भी लीक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे भी इंजन ऑयल में पानी जा सकता है, रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है आपके टैंक के अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं आपको फेस करने को मिलते हैं, आपका फ्यूल पंप जो है, फ्यूल इंजेक्टर जो है ये भी ख़राब होता है, तो ये सबसे पहले कराना चाहिए BS6 में, सबसे पहले कराना, अगर आपको लग रहा है वहाँ पे स्टॉप हो जाइए,
एंड स्टॉप होने के बाद सबसे पहला वर्क जो है इंस्पेक्शन कर लीजिए, अगर पता कर सकते हैं। अगर नहीं पता कर सकते तो नियर बाय मैकेनिक को लेके आइए, या फिर मैकेनिक के पास लेके जाइए, या फिर रोड साइड असिस्टेंट जो है उसको फ़ोन करिए और अपनी बाइक को टो करके ये सबसे पहले टैंक निकलवा के क्लीन करवाइए, फिर यूज़ करिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, चाहे आपका BS3 है, BS4 है या BS6 है। BS6 में फ्यूल इंजेक्टर की वजह से थोड़ा मुश्किल है, बाकी BS4 और BS3 उससे पहले के जितने मॉडल्स हैं वो तो आप घर में आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, देखते रहिए ब्लॉग को, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।